दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड डॉक्टर राजीव गुप्ता, मानस हॉस्पिटल लुधियाना से। दोस्तों, एक कस्तूरी मृग होता है जिसकी धमनी में एक बहुत ही खुशबूदार कस्तूरी होती है, और वो उसकी जो खुशबू होती है उसको जगह जगह ढूंढता रहता है। जो कस्तूरी मृग होता है, उस खुशबू को जो उसके अपने शरीर से आती है, उसकी नाभि से आती है, जगह जगह आगे पीछे ढूंढता रहता है। कुछ ऐसा ही इंसान का मन है, इंसान की इच्छाएं हैं, जो खुशी पाने के लिए कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। जो लोग सिंगल होते हैं, वो चाहते हैं हमारी शादी हो जाए, हम उसके बाद हम जिंदगी सुखी हो जाएगी। और जो शादीशुदा होते हैं, वो हमेशा याद करते हैं कि जब हम कवारे थे, सिंगल थे, तो लाइफ कितनी अच्छी थी, कितनी कंफर्टेबल थी। कुछ दिन पहले हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो पहाड़ों में घूमने गए, हिमाचल के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में, और पिक्चरें उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे डाली, ग्रुप में डाली, तो सबने कहा कितनी एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ में कर रहे हो, कितनी खुशी आप एन्जॉय में लाइफ में कर रहे हो। तो मैंने ये रियलाइज करा कि वो पर्सन जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, जो पहाड़ों में गए, सो दुनिया की जो मार धाड़ है, एक तेज़ गति से भागती हुई शहरी ज़िंदगी है, उसे दूर वो अकेले पहाड़ों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और कुदरत को एंजॉय कर रहे हैं। सो जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग तंग मकानों में रहते हैं, तंग दिलों में रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो आदमी पहाड़ों में रहता है वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और मैं लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना में हज़ारों लोग हैं जो हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के हैं, जो लुधियाना में आके उनके पूर्वज बस गए, या वो बस गए, या उनके बच्चे आके यहाँ बस गए। सो जो पहाड़ों में रहता है, वो पहाड़ों की ज़िंदगी से परेशान है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती, वहाँ ज़िंदगी के साधन नहीं हो पाते, इनकम नहीं हो पाती, रास्ते तंग हैं, रास्ते बने नहीं हैं, घर जाना मुश्किल है, पानी नहीं मिलता, फसलें नहीं उगती। सो जो पहाड़ों का निवासी है, वो शहरों की तरफ भागता है, वो महानगरों की तरफ भागता है कि वहाँ पे मैं ज़िंदगी का सुख लूँ। और जो आदमी शहरों में रहता है, वो गांव की तरफ भागता है, गांव में जाके फार्म हाउस बनाना चाहता है। जो गांव वाला है, वो शहर की तरफ भागता है, और जो पहाड़ों वाला है, वो शहरों की तरफ भागता है, और शहरों वाला अपनी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन के लिए पहाड़ों की तरफ भागता है। सो दोस्तों, ये क्या है? ये क्या उस मृग की तरह नहीं है कि जो कि नाभि के अंदर खुशबू होते हुए भी, और जगह जगह ढूंढता है, जगह जगह उसको खोजता है। सो आज का जो ये छोटा सा डायलॉग था, इसका एक ही पर्पस है, इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पी, यू वांट टू सी सोलेस एंड पीस ऑफ माइंड, लुक विद इन, लुक इनवर्ड्स, अंदर की तरफ देखिए। अगर आप बाहर की दुनिया से, बाहर की चीज़ों से, लोगों के रवैये से अपने आप को खुश करेंगे, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुशी ना आपको ज़िंदगी में मिलेगी, ना आज किसी को लोगों ने खुशी दी है, चीज़ों ने दी है, ना आने वाले टाइम में मिलेगी। नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।